नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको लेके चल रहा हूँ एक इंग्लैंड के स्कूल में, जहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि वहाँ का चेंजिंग रूम और ग्राउंड और अंदर फैसिलिटीज़ क्या दे रखी हैं। तो फिलहाल आपको ये देखना होगा कि हम कितने पिछड़े हुए हैं या हम कितनी तरक्की कर गए हैं बाकी देशों के साथ में। तो इंडिया का स्कूल जो कि प्राइवेट और आपको कॉन्वेंट स्कूल और गवर्नमेंट के स्कूलों का कंपैरिजन अगर मैं इंग्लैंड के गवर्नमेंट स्कूलों के साथ करूं, तो आप अभी देखिएगा कि क्या फैसिलिटीज़ दी गई हैं और वाकई हमारे देश में ऐसी फैसिलिटीज़ दी गई होती हैं कि नहीं देते हैं गवर्नमेंट या सरकार। तो सरकारी स्कूलों की मैं बात कर रहा हूं, और उसके बाद आप कंपैरिजन लगाइएगा और फिर मुझे और बताइएगा कि आपको कौन से टॉपिक पर बहुत सारी वीडियोस देखना पसंद है। तो मेरा काम ये रहेगा आपके साथ आपको बताना और अवेयर करना कि हमारे इंडिया में और बाहर के मुल्कों में कितना कंपैरिजन है, कि बाहर के देश कितने आगे तरक्की कर गए हैं और अभी भी हम लोग कितना पिछड़े हुए हैं। तो फिलहाल चलिए आपको लेके चलता हूँ। एंट्रेंस जैसे ही आती है स्कूल की, तो वहाँ से हम शुरू करेंगे और उनके प्लेग्राउंड्स और इनडोर और चेंजिंग रूम्स पर थोड़ी सी लाइट डालेंगे और देखते हैं कि कितना कंपैरिजन है। चलिए देखते हैं। तो ये मैं स्कूल के अंदर मैं आपको लेके आया हूँ और उस तरफ से एंट्री की थी, और ये आपको दिखाना चाहता हूँ कि इतना बड़ा पार्किंग लॉट है, और मेरे पीछे भी आप देख रहे होंगे कि इतना बड़ा पार्किंग लॉट है। आपको लेके जाना चाहता हूँ मैं इस तरफ डोम की तरफ, जो कि यहाँ पर फुटबॉल खेलते हैं, इनडोर फुटबॉल या छोटी पिच पर फुटबॉल खेलते हैं। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 4 पिच बनी हुई हैं, आप देख रहे होंगे, अगर 1-2 और इस तरफ 3-4, और फ्लड लाइट्स लगी हुई हैं। तो ये सरकारी स्कूल है जिसमें फ्लड लाइट्स लगी हुई हैं, और यहाँ पर आके शाम को आप अपनी पिच बुक करिए और आप खेल सकते हैं। इंडोर में क्या है मुझे कुछ आइडिया नहीं है, तो और मैं वहाँ तक जा भी नहीं सकता। लॉन टेनिस के लिए कोर्ट बने हुए हैं, तो 1-2 और एक स्पेयर वहाँ पर है, तो 2 कोर्ट। और अगर हम इस तरफ से बिल्कुल पीछे की तरफ देखें, तो मुझे यहाँ से 3 फुटबॉल ग्राउंड नज़र आ रहे हैं। तो कम से कम 3 फुटबॉल ग्राउंड सरकारी स्कूल में, हमारे यहाँ पर अगर 1 भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। और पार्किंग देखिए, सो इस तरफ इतनी बड़ी पार्किंग है। स्कूल के अंदर कैसी फैसिलिटीज़ हैं, मैं हॉकी खेलने आता हूँ, इंडोर खेलता हूँ, और इंडोर पिच अंदर कैसी है, जो कि बेसिकली बास्केटबॉल ग्राउंड है, और वहाँ पर बैडमिंटन भी खेलते हैं। तो एक ग्राउंड को कम से कम 3-4 गेम्स के लिए इन्होंने डिवाइड किया हुआ है, डिफरेंट टाइमिंग्स पर, डिफरेंट स्लॉट्स पर। और अंदर आपको चेंजिंग रूम की फैसिलिटीज़ बताता हूँ। स्कूल ज़्यादा घुमा नहीं पाऊँगा, बिकॉज देयर इज़ डेटा प्रोटेक्शन है, आप कहीं पर भी किसी भी स्कूल में ऐसे ही नहीं जा सकते, आपको परमिशन लेनी होती है। तो विदाउट परमिशन, क्योंकि हम लोग यहाँ पर खेलने आते हैं, तो जितना आपको दिखा सकता हूँ कितना बड़ा डिफरेंस है इंडिया के सरकारी स्कूलों में और बाहर के सरकारी स्कूलों में। तो चलिए चेंजिंग रूम्स और आपको इंडोर हॉकी का ग्राउंड दिखाता हूँ, और उसके बाद हम लोग वहाँ प्रैक्टिस करते हैं। तो होपफुली आई होप कि आप हॉकी की गेम को एंजॉय भी करेंगे। तो इस तरफ मेरे पीछे यहाँ पर पार्किंग है, तो पार्किंग कम से कम इतनी पार्किंग इन्होंने दे रखी है कि जितने भी पेरेंट्स आते हैं अपने बच्चों को छोड़ने के लिए, और जो बच्चे आते हैं अपने आप खेलने के लिए, यहाँ पर आके गाड़ी पार्क करें और फिर खेल सकें। आपको स्कूल की एंट्रेंस दिखा देता हूँ। तो हम लोग रिसेप्शन से अंदर की तरफ चलेंगे, तो पहले आप रिसेप्शन देखिए। पहली बात है कि सब बच्चों को यहाँ से अंदर आना होता है, तो आप कोई भी नहीं आ सकता बेसिकली, अगर गेट लगा हो तो कोई भी नहीं आएगा, और सिक्योरिटी होती है। और उसके बाद रिसेप्शन से सबको गुजरना पड़ता है, अगर रिसेप्शन ही आपको जाने नहीं देगी कहीं पर, तो आप कहाँ पर जाएंगे। तो चलिए रिसेप्शन के थ्रू चलते हैं। आज इन्होंने साइड से भी गेट खोला हुआ है, बट आप बेसिकली यहाँ से जाते हैं और मैं आपको साइड से लेके जा रहा हूँ।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस कॉलेज में काफ़ी कुछ है। सो कॉन्फ्रेंस सेंटर है, कम्युनिटी सेंटर है, फैमिली सपोर्ट है, लिटरेसी एंड न्यूमरेसी का कॉलेज है और टीचर्स ट्रेनिंग है। तो काफ़ी है, फैमिली सपोर्ट में चलते हैं। वहाँ पर इंडोर जो स्टेडियम दिया हुआ है उसमें देखते हैं कि कैसे खेलते हैं हॉकी। इस ग्राउंड के अंदर हम लोग खेलते हैं, तो इंडोर है। तो आपको चेंजिंग रूम सबसे पहले दिखाता हूँ। तो बॉयज़ का चेंजिंग रूम है और गर्ल्स का है, और इसको खोलेंगे तो होपफुली अगर लाइट नहीं जगी होगी तो आप देखिएगा लाइट जग जाएगी। तो लाइट सेवर्स है, और ऐसा सरकारी स्कूल में तो कहीं पर भी नहीं होगा। इतना बड़ा चेंजिंग रूम इन्होंने दिया हुआ है बॉयज़ के लिए, और अंदर शावर की फैसिलिटी है। तो कम से कम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 8 लोग इकट्ठे शावर ले सकते हैं, और इस तरफ टॉयलेट है। तो ये सरकारी स्कूल कम कॉलेज जो है उसका बॉयज चेंजिंग रूम है, और आपको लेकर चलता हूँ यहाँ पर शावर रूम में। भाई सत श्री अकाल। और ये शावर रूम है, तो इसमें कम से कम 10 15 लोग तो इजीली शावर ले सकते हैं। इतना बड़ा चेंजिंग रूम दिया हुआ, और आप यहाँ पर आए और अपने कपड़े चेंज करें नहाए, तो इमेजिन करिए। हाँ, मज़े की बात ये है कि सब लड़के यहाँ पर आए, बंदे आए, सब नंगे नहाते हैं और सब इकट्ठे शावर लेते हैं, तो कोई शर्म नहीं है, कितना फर्क है। तो अभी चलते हैं अपने ग्राउंड की तरफ, जो पिच है वहाँ पर हम लोग कैसे खेलते हैं तो आपको दिखाता हूँ। तो ये पिच है, तो आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये पूरा बास्केटबॉल कोर्ट है, और इस तरफ पूरा बास्केटबॉल। तो बास्केटबॉल कोर्ट में इन्होंने छोटे छोटे एक कॉर्नर दिए हुए हैं, तो बेसिकली आप इतने बड़े पिच के अंदर आप 3 बास्केटबॉल इस तरीके से आप खेल सकते हैं। और हमारी गेम स्टार्ट होगी अभी थोड़ी देर में, तो हम लोग खेलेंगे और उसके बाद हम लोग चले जाएंगे। तो यहाँ पर बैडमिंटन कोर्ट इसी में, तो आप देख रहे होंगे नीचे फ्लोर पर कितनी लाइनें हैं, तो सब लाइनों का अलग अलग मीनिंग है। तो ये अगर वाइट लाइन अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये बैडमिंटन कोर्ट है। 1 2 3 4 बैडमिंटन कोर्ट ऐसे बने हुए हैं, और इस तरह ये जो इंडोर फुटबॉल खेलते होंगे तो उनकी ये गोल डी बनी हुई है, और ये बास्केटबॉल के लिए। तो अलग कलरिंग जब आप खेलते हैं तो आपको यूजली धीरे धीरे पता लग जाता है कि कौन सी लाइन का क्या मतलब है। तो इमेजिन करिए एक स्कूल में ये इतनी बड़ी फैसिलिटी है, और ऊपर अरीना है, तो ऊपर लोग बैठ के भी देख सकते हैं। और यहाँ पर स्कोर बोर्ड है। फिलहाल ये हमारा छोटा सा इंडोर स्टेडियम है, छोटा नहीं बहुत बड़ा है, बट हम लोग प्रैक्टिस करने आते हैं। होपफुली आई होप कि यू लोग आप लोग इन्जॉय करेंगे। छोटी सी गेम दिखाता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर इंग्लैंड में लोग जब पैसा कमा रहे हैं तो कम से कम अपने आप को एंटरटेन करने के लिए उसमें से टाइम निकाल के और कुछ अपनी जो हॉबीज़ हैं उसको अपने शौक को पूरा रखते हैं। ये फ्री नहीं है, इसके हम लोग सब पैसे पे करते हैं और फिर यहाँ पर खेलने आते हैं। Thank you.
रहा, कौन किसी को समझाने की कोशिश कर रहा है, तो कोई सुनने को राजी नहीं है, तो लगता है ब्रेक नहीं करेंगे हम लोगों को। सुपया था।